सो गाइस, इंस्टाग्राम रील्स पर किस टाइप का रील सबसे ज्यादा वायरल होता है, ऑडियंस की डिमांड क्या है, उसको किस टाइप का कंटेंट चाहिए, आपको किस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए जिससे कि आपकी रील्स वीडियो पर ज्यादा व्यूज आए, ज्यादा लाइक आए एंड आपका रील्स वीडियो वायरल जाए। गाइस, आप लोगों को नहीं पता कि इंस्टाग्राम रील्स ऑडियंस जो है उसको किस टाइप का ऑडियंस चाहिए, किस टाइप की ऑडियंस की डिमांड है। अगर आप उस टाइप का रील्स बना देते हो जो इंस्टाग्राम रील्स ऑडियंस डिमांड है, उस डिमांड को आप कंप्लीट कर देते हो, आप उसको उसी टाइप का कंटेंट प्रोवाइड करवा देते हो, तो गारंटेड आपकी रील्स वीडियो पर अच्छे व्यूज लाइक आएंगे एंड आपका रील्स वायरल जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में लाइव रिजल्ट के साथ जानेंगे कि किस टाइप का कंटेंट ऑडियंस को चाहिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। सो गाइस, यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम ओपन कर लिया है एंड गाइस, यहाँ पर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना एंड समझने की कोशिश करना। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आपकी समझ में आ जाएगा इंस्टाग्राम रील्स ऑडियंस की क्या डिमांड है, किस टाइप का कंटेंट उन्हें चाहिए। तो यहाँ पर मैं सर्च बार में सर्च करता हूँ मिस्टर फेसू। जैसे ही मैंने मिस्टर फेसू सर्च किया है तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए मिस्टर फेसू के जो फॉलोवर्स है 26 मिलियन है। अब गाइस, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, मिस्टर फेसू के जो फॉलोवर्स है 26 मिलियन है एंड यहाँ पर मैं रील सेक्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अब आप देखिए मिस्टर फेसू के कितने व्यूज आते हैं, 2.3 मिलियन, 1.9 मिलियन, 2 मिलियन, 2.3 मिलियन, 1.6 मिलियन, 1.9 मिलियन। एंड मिस्टर फेसू जो वीडियो बनाते हैं, लिपसिंग बनाते हैं एंड सॉन्ग पर एक्टिंग कर लेते हैं, बस इतना करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं करते। एंड इनके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा है एंड व्यूज़ इतना कम आते हैं। चलो हम यहाँ पर बैक कर देते हैं, अब हम सर्च बार में सर्च करते हैं रोहित। यहाँ पर मैंने सर्च किया रोहित, रोहित झिंझुड़के की यहाँ पर आईडी आ चुकी है। तो अब यहाँ पर आप देखिए रोहित भाई के जो फॉलोवर्स है 20.7 मिलियन है, कुल मिला के मिस्टर फेसू से कम है। अब यहाँ पर मैं रील सेक्शन में जाता हूँ, यहाँ पर आप रोहित भाई के व्यूज़ देखिए 6.9 मिलियन, 8.9 मिलियन, 7.2 मिलियन एंड 13.5 मिलियन, 8.7 मिलियन, 8.3 मिलियन। मिस्टर फेसू के 26 मिलियन फॉलोवर्स है एंड रोहित भाई के 20 मिलियन है। मिस्टर फेसू के व्यूज़ आते हैं 1 मिलियन, 2 मिलियन, इससे ज़्यादा नहीं आते, किसी किसी वीडियो पर 3 मिलियन आ जाते हैं। कुल मिला के ज़्यादातर उनकी वीडियो पर 1 मिलियन, 2 मिलियन व्यूज़ आते हैं। एंड यहाँ पर आप रोहित भाई के व्यूज़ देखिए 20 मिलियन इनके फॉलोअर्स है एंड व्यूज़ इनके कितना ज़्यादा आते हैं मिस्टर फेसू से। क्या मिस्टर फेसू अच्छी वीडियो नहीं बनाते, उनका कंटेंट अच्छा नहीं है, उनका कंटेंट ऑडियंस को पसंद नहीं आता, मिस्टर फेसू की ऑडियंस मिस्टर फेसू की कंटेंट को लाइक नहीं करती? तो यहाँ पर देखो क्या डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। मिस्टर फेसू लिपसिंग करते हैं या फिर सॉन्ग पर एक्टिंग कर लेते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। तो अब यहाँ पर हम रोहित भाई की वीडियो पर आ गए हैं, आखिर इनकी वीडियो पर इतना ज़्यादा व्यूज़ क्यों आता है। यहाँ पर अब आप देखिए मिस्टर फेसू बनाते हैं लिपसिंग वीडियो एंड एक्टिंग करते हैं सॉन्ग पर। अब यहाँ पर जो रोहित भाई है वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो डायलॉग लेते हैं, मूवी डायलॉग, उस पर एक्टिंग करते हैं, मूवी डायलॉग पर लिपसिंग करते हैं एंड उस पर अच्छे से एक्सप्रेशन देते हैं, ज़बरदस्त लिपसिंग करते हैं डायलॉग पर, एक्टिंग भी ज़बरदस्त कर लेते हैं डायलॉग पर। तो अब यहाँ पर देखिए गाइस, इनकी जो ये वीडियो है ये डांसिंग है, तो डांसिंग वीडियो पर आप लाइक देखते जा रहे हो। अब यहाँ पर ये भी डांसिंग वीडियो है। अब आ चुकी है डायलॉग वीडियो, 2.2 मिलियन इस पर लाइक है। एंड यहाँ पर आप देखिए रोहित भाई एक मूवी डायलॉग पर लिपसिंग कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं एंड फेस के जो एक्सप्रेशन है आप देखिए कितने ज़बरदस्त दे रहे हैं। यहाँ पर हम और स्क्रॉल करते हैं नीचे की ओर, देखो ये भी सॉन्ग है, ये भी सॉन्ग है। अब यहाँ पर फिर से मूवी डायलॉग आ चुका है, इस पर है 2.6 मिलियन लाइक। कुल मिलाकर रोहित भाई जो भी डायलॉग पर लिपसिंग एक्टिंग कर रहे हैं उस पर ज़्यादा व्यूज ज़्यादा लाइक आ रहा है एंड जिस सॉन्ग पर वे लिपसिंग कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, उस वीडियो पर व्यूज लाइक नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा इंस्टाग्राम रील्स ऑडियंस डिमांड क्या है, वो मूवी डायलॉग रील्स
वीडियो ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। अगर आप किसी मूवी का डायलॉग ले लेते हो या कोई सिंपली किसी का भी आप डायलॉग ले लेते हो, मूवी डायलॉग नहीं लेते, आप कोई भी डायलॉग ले लेते हो, उस पर आप एक्टिंग करते हो, अच्छे से लिपसिंक करते हो एंड आपका जो फेस एक्सप्रेशन है डायलॉग के हिसाब से, आप फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल सही दे रहे हो, अच्छे से लिपसिंक कर रहे हो, अच्छे से एक्टिंग कर रहे हो, तो आपकी रील्स वीडियो वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप डायलॉग रील्स बनाते हो तो आपको अपनी रील्स वीडियो पर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपकी रील्स वीडियो पर अच्छे व्यूज आएंगे, अच्छे लाइक आएंगे एंड आपकी रील्स वीडियो वायरल जाएगा। अभी के टाइम में इंस्टाग्राम रील्स पर इस टाइप का वीडियो देखना व्यूवर बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं एंड लाइक भी कर रहे हैं। तो अब आपकी समझ में आ गया आपको किस टाइप का रील्स वीडियो बनाना चाहिए आपने लाइव रिजल्ट के साथ देखा। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड गाइज चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब ले टेक केयर एंड बाय।